हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस पेपर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट cos पाई बाई फोर sin पाई बाई फोर माइनस sin पाई बाई फोर cos पाई बाई फोर पावर एन इज आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2×2 इज। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम सॉल्यूशन करने बैठे तो हमारे पास बेसिक फॉर्म में अगर जाए तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इक्वल इसकी पावर n बराबर ये होता है हमारे पास cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा, ये होगा हमारे पास। अब फिर से हमारे पास ये जो चाहिए 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए cos n थीटा को हमारे पास 0 होना चाहिए, बन होना चाहिए। cos n थीटा को हमारे पास 0 होना चाहिए और sin n थीटा को 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें n थीटा, ये n थीटा को किस इक्वल ले सकते हैं, n थीटा कब 0 होगा, जब ये n थीटा हो हमारे पास 2m पाई, यानी जब पाई जो cos को हम देखें तो ये 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, उसके बाद ये 4 पाई पे, तो इस तरह से n थीटा बराबर 2m पाई होना चाहिए। और sin n थीटा देखें तो n थीटा कब 0 होता है, 0 पे होता है 0 एंड 2 पाई पे होता है, तो पाई पर भी होता है, पर पाई पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम पाई को शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 2m पाई बेसिकली पाई पर भी होता है, 3 पाई पर होगा, बट 3 पाई पर ये 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन के कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, इसलिए ये भी हमारे पास 2m पाई। तो हमें सिर्फ एक चीज़ को सॉल्व करना है, इसको या इसको। अब ये हो गया हमारे पास एन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें एन और थीटा की जगह क्या है, पाई बाई फोर बराबर 2m पाई। तो यहाँ से हमारे पास पाई से पाई कट जाएगा, एन बराबर 8m, एन की जगह आ गए 8m, और एम जहाँ पे हमारे पास क्या है इंटीजर्स, एम जो और सबसे छोटा इंटीजर क्या है, एम बराबर 1। तो सबसे छोटी वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैसे अगर 0 पे बात करें तो 0 पे भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एन जो है हमारे पास इंटीजर वैल्यू दी हुई है और साथ में एन ग्रेटर देन 0 है, यानी एन बराबर 0 पर भी वो बन रहा था, लेकिन 0 को हम शामिल नहीं कर रहे। तो एन बराबर अगर इंटीजर वैल्यू एन बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन बराबर 8, यानी मिनिमम नंबर जो है वो एन बराबर 1 पुट करने पर आएगा, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। बी इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।